अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद, मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मेहमान नवाजी का अनोखा राज, मेहमानों को घर बुलाकर डंडों सोटों से जख्मी कर दिया। सलमा बीबी, साजिद वाजिद, आबिद शदीद जख्मी और अस्पताल के अमले ने भी धक्के मार कर निकाल दिया। 50,000 रुपये नकदी, एक अदद मोबाइल फ़ोन और सोने के कांटे भी छीन लिए। मुलजिमान बासर, पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। सलमा बीबी की DPO मुजफ्फरगढ़ और अफसरान बाला से नोटिस लेने की अपील। अहमदपुर शरकिया का नवाही इलाका चनी गोट में सूदखोरों ने पंजे गाड़ लिए। मुतादित घराने कंगाल, सूदखोरों के हाथों तंग। अक्सर लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर। सूदखोर तयशुदा रकम से लाखों रुपए इजाफी वसूल करने के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ते। इस सिलसिले में अहमदपुर शरकिया का नवाही इलाका चनी गोट स्टेशन चक नंबर 160 NB के रिहायशी मोहम्मद इमरान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसने मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद रमजान आरई से कारोबार के लिए 70,000 रुपये कर्ज हंसना लिए, जबकि वो इस वक्त 3 लाख रुपए से ज्यादा वसूल कर चुका है। इसके बावजूद पीछा नहीं छोड़ रहा और झूठे पर्चे में फंसवाने की धमकियां देता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी बिक चुका है, किराए के घर में रहता हूँ, कारोबार खत्म होकर रह गया है, घर में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज भी अपने करीबी अजीज रईस असगर परिहार से मोटरसाइकिल मांग कर बच्चों की दवाई लेने जा रहा था कि सूदखोर इमरान मुझसे मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गया। उन्होंने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार, RPO बहावल मोहम्मद जुबैर दरेशक और DPO बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अगर सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो वो DPO ऑफिस के सामने बच्चों समेत खुदकुशी कर लेगा। मेरे को जनाब एक सूदखोर ने तंग कर रखा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं को तंग की थी खड़े, मेरे 70,000 रुपया मैं उनके घरों किता ही, मेरे घरों 800,000 रुपया डेली गिंदा रह गए और मेरे को जलील की खड़े। मेरे को पौने 3 लाख रुपया नकदी गिन गए, मेरे को सब्जी फ्रूट साल ठीक है खाँदा रह गए, उन्हों का कोई हिसाब क्या नहीं। मैं गरीब बंदा सर, मेरी अपील है वजीर आजम साहब को, वजीर आला पंजाब को, जनाब DPO साहब को, मेरी अपील है कि मेरे को ही बंदे करूँ मेरी जान छड़वाई मंजे। मेरे को दिन रात जलील की खड़े, चार पाँच बंदे गिनते, मेरे को घेर गिनते, मेरे को धमकियाँ देते, मैं तेरे ना पर्चा काटे सर। सूदखोर का नाम क्या है? मोहम्मद इमरान सूदखोर का नाम है सी, जेड़े में कौम क्या है? कौम राही वल्द अपना मोहम्मद रमजान। अच्छा। मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद रमजान कौम राही ये सी। मेरे को जलील की खड़े, मैं एक जड़े मोटरसाइकिल मंगाया रईस असगर साहब सहाफी के, वो मैं फोतगी दे मैं ब्याम, वो मेरे को रस्ते घेर की दे, तेरे तो 1,70,000 कर्जा चढ़ गए, 80,000 चढ़ गए, मोटरसाइकिल इतना खड़ा। मेरे को तू पैसे डे से ते अपना मोटरसाइकिल गिन मजी, वो दिहाड़ी लू के बाद से मेरे को बुला काबू कर की दे, मेरे को जनाब ली ही अपना स्टाम्प करवा की दे 30,000 का छीवे महीने तू पैसे डे से मोटरसाइकिल बुला गिन मजी। मैं कुछ ये ब्लैक मेल की खड़े, मेरी लिहाजा ही मेरे जान चढ़ गई। हैदराबाद कच्चा किला शाह फैसल कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से नीचे मकान नंबर 228 का पूरा घर जल गया। घर में मौजूद फ्रिज, फर्नीचर, अलमारियां और जमा पूंजी, जो कुछ घर में मौजूद था, एक एक चीज़ जलकर राख हो गई। बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और ठेले को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। जबकि अहले मोहल्ला का कहना है कि यह ट्रांसफार्मर आए दिन ख़राब हो जाता है लोड ज़्यादा होने की वजह से, और जिसका घर मोटरसाइकिल और ठेला है उनका यही मुतालबा है कि हमारा जो कुछ भी जला है उसका इंसाफ दिया जाए, उसका जिम्मेदार वापता है। अंबर के करीब गांव मियां रत्तू में मोगेरी बिरादरी और सोलंगी बिरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में सोलंगी बिरादरी का एक नौजवान फयाज हुसैन वल्द गुलाम रसूल सोलंगी कत्ल हो गया, जबकि फायरिंग के दौरान एक नौजवान वहीद सोलंगी शदीद जख्मी, जिसको शोभा हादसा लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती बुनियाद पर पेश आया। कुछ दिन पहले जरिए ज़मीन की वारसी पर मोगेरी बिरादरी और सोलंगी बिरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग में मोगेरी बिरादरी के दो बंदे कत्ल हुए थे और एक जख्मी हुआ था। इस वक्त से दोनों बिरादरियों मोर्चा बंद थे, तहाल वाकये का कोई केस दाखिल ना हो सका। जी मैं आपको बता चलूँ, कंबर के करीब गांव में रतों में मोगेरी बरादरी और सोलंगी बरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में सोलंगी बरादरी का एक नौजवान फयाज हुसैन वल्द गुलाम रसूल सोलंगी कत्ल हो गया, जबकि फायरिंग के दौरान एक नौजवान वहीद सोलंगी शदीद जख्मी हो गया, जिसको शोबे हादसा लाड़कर मुंतकल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती बुनियाद पर पेश आया। कुछ दिन पहले ज़मीन के वारसी पर मोगेरी बरादरी और सोलंगी बरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ।
फायरिंग में मुगेरी बरादरी के दो बंदे कत्ल हुए थे, एक जख्मी हुआ था। उस वक्त से दोनों बरादरियां मोर्चा बंद थी, ताल वाके का कोई केस दाखिल न हो सका। जी कोट राधा किशन नवाही गांव धारेवाल में इंसानियत सोज वाकया, तारीखी कब्रिस्तान मुस्मार करने की कोशिश, पैसों के लालच में बासर अफराद इंसानियत भूल गए। बासर अफराद ने क्रेन की मदद से कब्रों को मुस्मार करने की कोशिश की। मुलजिमान ने कब्रों की बेहरमती और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करके सख्त ज्यादती की है। इलाका मकीनों की जानिब से इंदराज मुकदमे के लिए थाना कोट राधा किशन में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। इलाका मकीनों ने आई जी पंजाब से इस अफसोसनाक वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SHO आजम ढेडे। कसूर और गिरदोनवाह में पिछले चंद दिनों से लाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स वारिसेलिया की बीमारी ने बच्चों को निढाल कर दिया है, जिससे बच्चों के जिस्मों पर पानी भरे दाने बनते हैं और बाद में जख्म की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और बुखार की शिद्दत भी हो जाती है, जिससे जिस्म में शदीद दर्द भी रहने के साथ सारे जिस्म पर खारिश भी होती रहती है और मरीज चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता है। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि यह बीमारी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक होती है, मगर इस बार बास नौजवानों में भी इस बीमारी को देखा गया है। शहरियों ने महकमा सेहत से नोटिस लेकर इस बीमारी के तदारुक के लिए अद्वियात तजवीज करने की इस्तेदा की है। लाहौर पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मफरूर मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक कैटेगरी का इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद साबिर उर्फ साबा गिरफ्तार। मुलजिम कत्ल और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में 1 साल से पुलिस को मतलूब था। SHO फैक्ट्री एरिया शब्बीर अवान। मुलजिम मजीद तहकीकत के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SP कैंट साइद अजीज की मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO फैक्ट्री एरिया शब्बीर अवान और टीम को शाबाश। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP कैंट साइद अजीज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।